तामिया हॉस्पिटल में मरीजों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह खबर वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल के माध्यम से प्राथमिकता से चलाई गई थी। न्यूज चलने के कुछ दिन बाद ही तामिया हॉस्पिटल का हैंडपंप सुधार दिया गया है और मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। तामिया हॉस्पिटल में मरीजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था 10 दिनों बाद की गई है। भीषण गर्मी में हॉस्पिटल परिसर में दूर दराज से आए ग्रामीण अंचलों से मरीज पीने के पानी के लिए अब हैंडपंप सुधार दिया गया है। वही पानी की टंकी और नल भी लगा दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों के मामले पर ध्यान देने के बाद पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हॉस्पिटल परिसर में आज से पीने का पानी की सुविधा मिल सकेगी। जी, जैसे कि बताया गया कि तामिया में जो शासकीय हॉस्पिटल है और यहाँ के अधिकारियों द्वारा किया गया है, यहाँ पर समस्या जा रही है पानी पीने की, बहुत हम लोग ने ठीक कर दी है, जिससे यहाँ के आमजनों को समस्या नहीं आएगी पानी। आपका नाम बताइए। बिजन भैया। क्या करते हैं आप इसमें? हेल्पर है। ओके। हाँ जी, आमजन की जनता की सुविधा को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए अस्पताल कैंपस में पानी की टंकी चालू की गई, नल लगाया गया और आज हैंडपम्प भी सुधराया गया। आपका नाम बताइए। देख रहा हूँ उनके कौन से पद पे हैं आप? मैं वाहन चालक के पद पे हूँ। तामिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।